राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। लगातार 4 दिन से बेरोजगारों का धरना लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ छात्रों का धरना 100वें दिन जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार 100वें दिन भी जारी है। मीणा ने की राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश में रीट, सब इंस्पेक्टर और जेईई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे में जब तक इन तीनों परीक्षाओं को रद्द किया नहीं किया जाए, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सत्ता के कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस और SOG इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस पूरे मामले की CBI से जांच होनी चाहिए, तभी बेरोजगारों की दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान अब उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है। दरअसल राजस्थान में रीट और पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेईई भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में धांधली की कई शिकायतें सामने आई थी और सरकार ने भी रीट परीक्षा में नकल करवाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ ही बर्खास्त कर दिया है, जिसमें सरकार अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसके बाद छात्रों के साथ अब विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने में जुट गया है। वे सत्ता पक्ष के नेता इस भर्ती को लेकर पाक साफ बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में शुरू हुआ भर्ती परीक्षाओं का विवाद कब तक खत्म होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की विपक्ष पार्टी BJP ने भी लगातार कई BJP विधायकों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल है। आपको बता दें कि ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में ये शुरू हुआ भर्ती परीक्षाओं का विवाद कब तक खत्म होता है। नीट परीक्षा की धांधली के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। सबूत हमारे पास है और परीक्षा दोबारा करवाई जाए। राज्य की जो SOG है उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है।